हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, IBPS RRB के नोटिफिकेशन में इतनी कम वैकेंसीज देखकर बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं। वो कह रहे हैं कि सर क्या फॉर्म भरें, आगे वाले आने वाले टाइम पर क्या वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं। तो गाइस, मैंने आज कस्टमर केयर पर भी एक बार फ़ोन लगाया और मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इसमें आने वाले टाइम पर क्या कोई रिवाइज सर्कुलर करके IBPS हमें जारी करके बताएगा या वैकेंसीज आगे इंक्रीज होंगी क्या। तो उन्होंने कहा कि अभी इनिशियल फेज़ में हमारे पास जो बैंक हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया था वो वैकेंसीज हमने आपके सामने एक नोटिफिकेशन फॉर्मेट में आई है और जो NR स्टेटस है वो एनी टाइम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो वैकेंसीज आगे आने वाले टाइम पर आ सकती हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि सर जैसे कहीं पर PO की वैकेंसीज बहुत कम है, लास्ट ईयर बहुत अच्छी खासी थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक टेंडर वैकेंसीज हैं, अगर वैकेंसीज इंक्रीज होगी तो वो आपको एक रिवाइज सर्कुलर के फॉर्मेट में बताया जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी मेरी बात हुई। गाइस देखो, मेरा खुद का स्पेकुलेशन क्या है, अगर हम लास्ट ईयर की तुलना करें तो आपने देखा होगा IBPS क्लेरिकल में भी रिवाइज सर्कुलर आता है। रिवाइज सर्कुलर लास्ट ईयर भी आया था और उसमें वैकेंसीज हमारी अपडेट हुई थी। तो जब इतने कम फिगर्स हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद हमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल जाए और कुछ वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज हों। ठीक है, अलग अलग बैंक्स में मेरा ये कहना है कि आप तैयारी करो और आप इन सब चीज़ों को साइडलाइन करो, क्योंकि अगर आप शांति से बैठ जाओगे तो जो बंदा तैयारी कर रहा होगा, आपका कंप्यूटर होगा, वो यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएगा, क्योंकि उसके लिए उतना ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखो, ये तो श्योर है कि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होगा और यहाँ पर बहुत टफ फाइट होगी। तो जो बेहतरीन प्रिपरेशन करेगा वही इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। हमें हर एक एंगल से आपका रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस सब पर बढ़िया फोकस करना है। और मेरा भी यही मन कर रहा है कि आने वाले टाइम पर हमें एक रिवाइज सर्कुलर देखने को मिलेगा वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत सारा प्रेशर होगा। आप देख रहे हैं कि अलग अलग बैंक हैं जहां पर वैकेंसीज बहुत कम है, तो भाई स्टाफ की तो कमी है, तो आप सभी को पता है कम बंदों के साथ ब्रांचेस अभी तक ऑपरेट हो रही हैं और वहां पर वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है। तो जो मैनेजमेंट है और चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पर प्रेशर बनेगा और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हमें कुछ बड़ी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो बेहतर है कि आप तैयारी अपनी करें और मन से करें और डबल मेहनत करें, क्योंकि फाइट जब अच्छी है तो मेहनत तो डबल हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। और क्वांट रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करें, और अगर जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप लोग सिंगल सोर्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप करंट अफेयर्स फंडा के PDF हैं जो बैंकिंग, इकॉनमी और फाइनेंस, इसका एक सिंगल मंथली आता है और हर एक मंथ के 500 MCQs आते हैं, डिटेल्ड MCQs ऑनली MCQs हैं, तो आप इन सभी को ऑप्ट कर लें। नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, और इससे क्या होगा कि हम हर एक चीज आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया करके करें, और कोई सवाल है तो प्लीज नीचे जरूर पूछें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।